We're gonna talk about our first period. हाँ guys, आज हम अपने first period की story बताने वाले हैं. आप भी अपनी story comment करके बताना. अब guys, आपने देखे होंगे हमने दो short films लाए थे my first period story. तब आपने उसमें comment करके पूछा कि आपकी ये original period story है. तो गाइस नहीं, वो एक्चुअली स्क्रिप्टेड थी जो हमने ही लिखी थी स्टोरी सबने मिलके. तो लोगों ने कमेंट करके आप ही ने बताया कि प्लीज 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 अपनी ओरिजिनल स्टोरी बनाओ, रियल स्टोरी कैसा एक्सपीरियंस है. तो आज हम आपके लिए लाए हैं भारी डिमांड पे आप फर्स्ट पीरियड स्टोरीज. ऐसे अगर आप एक लड़की और एक वीडियो देखे तो हमने मैं तो लड़कों में ये वीडियो क्यों देखे, तो लड़कियों का है तो क्या, वो आपके पास एक बहन है, आपके पास फ्रेंड्स है जो गर्ल्स है, आपके पास एक मदर है. सो पीरियड्स के बारे में एजुकेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है गर्ल्स गाइस सबको. एंड अगर आप एक लड़की को रिक्वेस्ट हो, अगर आप किसी को देखते हो पीरियड्स में तो उनकी हेल्प कीजिए एंड डोंट बी लाइक ग्रो स्टार्ट इन पीरियड्स वैसा कुछ ना कीजिए. और ऐसे गाइस कई लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि ओ माय गॉड आप पीरियड्स पे क्यों वीडियो बनाया, इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया, ये नहीं बनाना चाहिए, सब क्यों नहीं बनाना चाहिए. गाइस एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई रूरल एरियाज में ऐसा भी है और अर्बन एरियाज में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन अभी अर्बन एरिया में थोड़े से ओपन माइंडेड लोग हो गए पीरियड्स के बारे में. लेकिन पहले या तो रूरल एरियाज में ऐसा भी था कि लड़के जिनको पीरियड्स आते थे उनको एकदम लाइक डिफरेंट नजरिया से देखा जाता था. इनको छूना नहीं, किचन में जा सकते, हमको नहीं छू सकते, खाना नहीं छू सकते, ये वो सब. लेकिन ऐसा गाइस क्यों करना, पीरियड्स इज लाइक अ नेचुरल थिंग जो हर औरत को होता है, हर लड़की को होता है. क्यों हम ऐसा कहीं से बात नहीं करना चाहिए, वो अछूत हो गए ऐसा क्यों करना चाहिए. सो इसलिए हम ये भी एक रीजन है हमारा वीडियो बनाएगा कि लोग ओपन रहे अपने पीरियड्स के बारे में शेयर करने के लिए अपनी स्टोरीज एंड ज्यादा अवेयर रहे पीरियड्स के बारे में. लेकिन अभी गाइस जैसे कि आयशन बोला, हमें जान बहुत लड़की को पता नहीं रहता उनके पीरियड के, उनके पीरियड होता क्या. लेकिन फॉर्चुनेटली हम तीनों को पहले से पता था. कैसे पता चला हमें वो भी एक स्टोरी है, तो पहले उसी से चालू किया जाए. यस, तो बेसिकली रिया जो है सबसे बड़ी बहन है हमारी और उसको अपने पीरियड्स आए थे. एंड तब मैं कुछ 10 साल की थी, वो कुछ 13 साल की होगी. फिर वही मम्मी ने मौसी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने सोचा कि अभी इनका भी किसी दिन आएगा तो इनको पहले ही बता देती हूँ, वरना जब पीरियड्स आएंगे तो पूरा फ्रीक आउट करेंगे. तो मुझे पहले प्यूबर्टी ऐसे हिट किया था नॉट दैट, तो इसलिए मम्मी ने मुझे ही पहले बताया. एंड आयरोनिकली मुझे ही अनुष्का से पहले पीरियड्स आए. सो अभी रूम में लेके गई बिठाई, उन्होंने बताया कि पीरियड्स होता है, खून निकलता है, तो मदद कभी होगा स्कूल में तो टीचर को बताना. तो यही उन्होंने बताया था मुझे. फिर तब से मैं एजुकेटेड हो गई थी. एंड आयरोनिकली मुझे मानसी ने कुछ महीने पहले बताया कि उसको भी फर्स्ट पीरियड्स के बारे में मेरे वजह से पता था, मैंने उसको बताया. सो गाइस पीरियड्स के टाइम पे कम्फर्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड कम्फर्ट तो ऑलरेडी था, डिसकम्फर्ट रहता है पीरियड्स के टाइम. कंफर्टेबल क्लोथ मेरा मजा है, तो मैं तो पीरियड्स के टाइम पर एक पर्टिकुलर आउटफिट ही है. अब पीरियड के टाइम एक तो स्टेन भी एक झंझर रहता है जो बीच में घुस जाता है आ जाता है. डार्क कलर पैंट यूजुअली इसके लिए पहनती है, स्टेन आए तो उतना पता ना चाहिए. डार्क कलर पैंटी भी एंड पैंटी एंड ब्रा भी दोनों ऐसे कंफर्टेबल टाइप पहनना चाहिए ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो इसलिए अभी हमने रिसेंटली मतलब नए ब्रास खरीदे. सो जो मैंने ब्रास ऑर्डर किए वो मैंने शायद अभी से ऑर्डर किया, जो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा ऑर्डर आ गया कुछ ही दिन पहले. बेसिकली आयुष्का ने अपने लिए दो ब्रास लिया, उसमें ऑफर था बाय टू गेट थ्री ब्रास फ्री. तो इसलिए मैंने स्पोर्ट्स ब्रा भी खरीदे दो. तो हमने ऑफर के साथ 5 ब्रास लिए थे, एक पर्पल विद क्राउन डिजाइन, एक ब्लैक लेस वाला लिया था, एक ब्लैक जिसमें व्हाइट हार्ट्स थे, फिर एक ज्योमेट्रिक वाला भी लिया और एक और ब्लैक विद पिंक हार्ट्स वाला लिया है. फिर हमने 2 स्पोर्ट्स ब्रा भी लिया था, एक ब्लैक एंड एक ऑरेंज. And guys, we should all be educated about the importance of lingerie for all type of dresses. And वैसे guys, Shaya Away का एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा cool लगा, जो है size calculator, जिससे आप अपने bra का size जान सकते हैं. क्योंकि कई लोगों को अपना bra का size नहीं पता होता है, size calculator से आप आराम से अपना size जान सकते हैं और फिर order कर सकते हो Shaya Away से. तो guys, अगर समझो कि आपका size गलत आ गया, size chart आपने लिखा था कि शायद से आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए, थोड़ा और छोटा चाहिए, आप उसके मुताबिक एक्सचेंज भी कर सकते हो या तो रिटर्न कर सकते हो 15 दिन के अंदर. और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, एकदम सही. एंड गाइस इसमें और 2 काफी कूल ऑफर्स भी हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 5 पैंटीज फॉर 599 रुपीज एंड 3 पैंटीज फॉर 599 रुपीज. सो ऑफर यूज करो एंड ऑर्डर करो यार. और गाइस ये ऑफर्स जो बदलते रहते हैं, इस महीने का ऑफर यही है जो हमने आपको बताया. एक और बड़ी मस्त चीज है, अगर आप ₹1000 या ₹1000 से ऊपर की शॉपिंग करो ना, तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो है IONU100. आपको उससे मिलेगा ₹100 ऑफ. और आप ये कोड ना एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना बार यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो. इट इज एप्लीकेबल मल्टीपल टाइम्स. सो गाइस हमने जो ब्रांड ऑर्डर किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको पसंद है तो आप भी वो सेम ऑर्डर कर सकते हैं. नाउ बैक टू मानसी स्टोरी.
हाँ, तो मुझे आयुष्का ने बताया था, फिर मैंने घर पर जाके मम्मी को पूछा कि ये क्या होता है, तो मम्मी ने बताया और फिर हमने स्कूल में भी ऑब्वियसली डिटेल्स में सीखा। हाँ, हमारे भी स्कूल में ऐसा वर्कशॉप टाइप हुआ था पीरियड्स के बारे में, जो अच्छी बात है। इधर उन्हें अपने मम्मा लोगों से क्लियरली पता चला, मुझे मम्मा ने नहीं बताया था। एक्चुअली जब हमारे घर में थी तो रिया थी, तो रिया वॉशरूम में थी और उसको पीरियड था, तो उसने मुझे बोला था कि जब मौसी को पैड बोल लाने को, तो पैड चाहिए तो जाती मैं बताती, फिर मैं पूछती रिया मम्मा ने पैड क्यों, तुझे पैड क्यों चाहिए था, वो बताती है मेरे को पीरियड आया था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं समझी अच्छा, तो उसी ने मेरे को बताया। तो क्या था, हमने आपको बताया कि हमें पीरियड्स के बारे में पता कर चला, हम आपको बता दें कि हमें अपनी फर्स्ट पीरियड में हुआ क्या। तो मैं पहले बताती हूँ मेरी फर्स्ट पीरियड स्टोरी। सो मेरे फर्स्ट पीरियड मुझे आए थे 2018 को 31 दिसंबर को, वेरी आयरॉनिक। सो उस टाइम मैं कुछ 13 ईयर्स की थी। ये ऐसा हुआ था कि उसी रात को 30th को रात को मैं उसको कुछ पीरियड से रिलेटेड वीडियो देख रहे थे, फिर वीडियो देखा रख लिया, उसके बाद सोने चले गए, फिर सो के मैं उठी एंड देन अब आँख ही खुली भी नहीं है, एंड देन आई वांट टू गो टू द वॉशरूम एंड पी, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे चल चल के, आँख मुझे अभी तक कुछ देखा नहीं क्या है, बैठती हूँ उसके बाद आँख खोलती हूँ एंड देन उसके बाद आई लुक डाउन एंड आई लाइक मैंने वाइट पहना था, मैंने मेरे वाइट पजामास पहने थे, तो वो पूरा मेरा प्यारा वाइट पजामा उस फुल्ली रेड स्टेन था एंड मैंने उसको पहना नहीं अभी आज तक, उसके बाद मेमोरी बॉक्स में पड़ा हुआ है एंड देन उसके बाद मैंने भी अनु मुझे मेरे पास पीरियड आ गया अनु अनु क्या हो रहा है, एंड आई एम ट्राइंग टू लाइक प्रोसेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन और मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चलता है एंड इट इज आई एम लाइक ओके ओके हां गाइस, मैं लिटरली भगवान को विश करती थी कि मुझे मेरे पीरियड भेज देना एंड मुझे ना इसी साल भेज देना गाइस, एंड इसी साल भेजा उन्हें एकदम एंड पे, एंड फिर मम्मी बताती हूं मम्मी को एंड देन मम्मी मुझे सिखाती है पैड कैसे पहनते हैं प्रॉपरली, तो फिर उसके बाद मुझे सीख गई और मैंने कुछ ज़्यादा नाटक नहीं किया एंड फिर उसके बाद रात को भी थोड़े बहुत क्रैम्प्स थे और थोड़ा सा वो लग रहा था, डांस करते टाइम इरिटेट कर रहा था पीरियड, तब से मैंने बोला है गलती कर ली थी भगवान से मांग के मैंने। सो यही थी मेरी फर्स्ट पीरियड स्टोरी एंड थोड़ी सी फनी थी, थोड़ी सी आयरॉनिक भी थी क्योंकि हर रात को वीडियो देखा था मैंने, अगले दिन आ गया ओके। तो मैं एकदम से 5 मिनट छोड़ती हूँ, पर फिर मुझे सबसे पहले पीरियड आए दोनों से पहले, और जैसे आयुष्का 2018 के एंड में आया अपने एकदम स्टार्ट में आया जनवरी में, नानी के घर पे थी मैं, नानी के बिल्डिंग में पूजा थी, तो मैं ट्रेडिशनल पहनने गई अंदर और मैंने देखा कि स्टेन आया है एंड एट द पॉइंट टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने मुझे पैड दिया और कहा कि ये लो ये पहन लो एंड तभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं ऊपर गई पूजा में टेरिस पे तो मेरा पेट बहुत दर्द होने लग गया, मैं फटाफट जल्दी से खा के नीचे आई और फिर रात को थोड़ा तंग किया उसने, क्या हुआ था कि मेरे को डेट नहीं आया क्योंकि नवंबर मेरे 14th बर्थडे के एक महीने पहले, उस टाइम हम लोग ये रिक्शा वाले को सब्सक्राइब किए थे, हम लोग उनके हर वीडियो देखे थे अनिशा दीक्षित जी का, तो उनका वो वीडियो था कुछ जो हॉस्पिटल में गई थी कुछ क्यों उनकी कुछ हॉस्पिटल सर्जरी वर्जरी था एंड यू नो सस्पेंड क्या हो गया भैया कैसे हुआ, और हम सब बैठे थे, मैं चाची भी थी मानसी भी थी, तो हम लोग टीवी में देख रहे हैं और उसमें पता चलता है कि उसको पीरियड थी और जैसे कुछ उसको प्रॉब्लम था, मैंने उनको याद नहीं उनको कुछ उसका सर्जरी कराना पड़ रहा था एंड आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट दैट, बहुत पहले देखा था 2 साल हो गया एंड आई वाज लाइक ऑल कंफ्यूज कि मतलब वो गॉड मैन उनको पीरियड से ऐसा हुआ, मेरा तो अभी तक पीरियड्स है, मेरे को भी कुछ पेनफुल हुआ या कुछ सर्जरी करानी पड़ी क्या, एंड आई वाज लाइक लीव इट, मम्मा भी पूछने लगी मुझसे यार तुम्हें अभी तक नहीं आया कब आएगा तुम्हें पीरियड, अभी 14 साल की होने वाली हो, डॉक्टर से पूछू क्या, मैं नहीं मम्मा, एंड देन मैं रात को सोती हूँ and next day filming entry period का तो must रहता ही है and it's so ironic क्योंकि मेरे को भी मेरे first period तब आया तो मैंने रात को कोई video देखा था period से related और period आया है मैं देखते हैं मैं like oh god आ गया finally और I'm like ठीक है मैं washroom में आई सो रही है I'm like shouting out आयो pad लेकर आ मेरे लिए नहीं बोले चल मजाक मत कर बेकार है दिमाग मत खराब कर, तो अरे सच्ची में आया मजाक नहीं करी झापड़ मारूंगी तब समझ आएगा, अरे लड़की बोलती है सच्ची में बोला हाँ भाई तभी तो वॉशरूम से मिलने निकली देखो खुशी को चिल्लाने लगती ओह माय गॉड मेरी बहन को पीरियड आ गया फाइनली, मैं बहुत एक्साइटेड थी तो जाके सबको कॉल करने लगी सबको बताने लगी हेलो मानसी अनु को पीरियड आया, हेलो रिया आयु अनु को पीरियड आया, मम्मा को जाके बताती पापा को बताती मैं वॉशरूम में बैठी कब ये पैड लगी लड़की, फिर मम्मा आती
नहीं बोलती अनु सच्ची में मुझे आ मन वाला अच्छा ठीक है आई बेटा पार्ट दे तो अनु को गाइस ये आयरोनिक हमेशा से ये जो रिक्शा जी का वीडियो था ना उनका वीडियो मैं कभी ना भूलूंगी तो यही दिस वाज इट फॉर अ वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड अगर आपको अपने फर्स्ट पीरियड आ चुके तो इस स्टोरी जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में लेट्स ऑल गर्ल्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पीरियड एंड गाइस जिनको पीरियड्स का नहीं पता है वो इससे एजुकेशन ले सकते हैं इस वीडियो से जान सकते हैं और ये आज ही तो अगर आप सबको आने वाला सारी लड़कियों आप सबको नहीं आप सबको आएगा सारी लड़कियों को आ सकता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं इट इज ऑल नेचुरल सो गाइस ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था एक सोशल मैसेज देना कि ये पीरियड्स जो है ऐसी चीज के हम आप ओपनली बात कर सकते हो एंड जस्ट बी ओपन अबाउट इट गाइस लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड पीरियड्स के बारे में लेट्स टॉक अबाउट इट सभी के साथ शेयर करना जैसे कि सब एजुकेटेड है पीरियड्स के बारे में बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना सो गाइस शायद मैं वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब उसमें क्लिक करके परचेज कर सकता है एंड गाइस अगर आप जो परचेज करते हैं अगर 1000 rupees से ऊपर जाए तो गाइस आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं IU100 उससे आपको 100 rupees ऑफ मिलेगा और आप ये कोड है ना कितने बार भी यूज कर सकते हो इट इज एप्लीकेबल मल्टीपल टाइम्स मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय